राम राम सारी सातन सहेलियां ने सारी बेणा खुश रहो और मस्त रहो, काम में सारी व्यस्त रहो। तो एक बेण जी की यहाँ कह माने द्रौपदी की चरी की कहानी सुनाओ, किया दान करार किया में कथा सुना। तो एक दिन अधिष्ट राजा, सुनो कहानी में कहूँ, अधिष्ट ने महल बनायो ईशो जको सुक्की जिग्यांग माँ तो गिल्लो दिखे, गिल्ली जिग्यांग माँ सुको दिखे। तो दुर्योधन आयो वहाँ यज्ञ करियो, अधिष्ठर यज्ञ करियो ने जो दुर्योधन आयो आगे सुखी जगह माँ तो कपड़ा ऊंचा कर लिया और गिल्ली जगह माँ नीचा कर लिया। तो द्रौपदी ऊपर मेल में खड़ी हंसी, बोले अंधांगा तो अंधा ही जामे। तो दुर्योधन ने बहुत ही तकड़ी रीस आई, सारे पांडुआ ने बुला लिया, बोले अगर जुओ खेलांगा तो जुओ खेलिया तो जुए में हार गया, द्रौपदी नहीं हार गया। तो द्रौपदी को चीर अड़न लग गया। तो द्रौपदी कृष्ण भगवान ने याद करियो तो चीर बधा दियो, तो आने 12 महीना को वनवास दियो, 12 महीना वनवास दियो नहीं जद उड़ गया वनवास का माँ जब कृष्ण भगवान यहाँ करियो जाने के खावेगा और के पिएगा। एक चरी दे दी पित्तल की, एडी देश की कह दें आप आपकी भाषा हुआ है आ चरी कहो, बोलियो कह आचरी तू भी भगवान को नाम ले ली भी ओम हरि है। द्रौपदी की चरी भरी, सूरज भगवान ने अर्घ दे गए और आ तू रोज गलोटो ढाल गए और ओ दो बारी नाम ले ली तो तेरी चरी आप ही भरी जाई। तो द्रौपदी तो यही करे, सूरज भगवान ने प्रार्थना कर गए पानी को लोटो ढाल गए और यहाँ कह ओम हरि है द्रौपदी की चरी भरी, दो बारी कही तें भरी जे तो सारा पांडू जिम लिया आप ही जिम लिया आयो गयो कोई भूको कौन रहे, बाद में द्रौपदी जिमे। तो दुर्योधन ने ठा पड़ियो यहाँ इसी सी चरी है भी कने। तो वो है जो दुर्वासा ऋषि ने कहो का अपा भी गरीब भोजन कर गया हो पांडुआ कने ईशो शो भोजन है, तो 1000 साधु संत ले गए दुर्वासा ऋषि चाल पड़े। दुर्योधन ने ठाओ भी वो भूखा रह गया तो श्राप ईशो जाएगा तो जमा ही पाओ सारू की नष्ट हो जाएगा। तो जागीर बोलिया भी भोजन कराऊँ तो सारा जीम लिया, द्रौपदी आप भी जीम ली। तो विदेश की गए एक चावल लागेड़ो मंजेड़ी कोनी चरी गए, द्रौपदी चिंता बोल भोजन करांगा आगे यहाँ बोलिया। तो द्रौपदी का तो चिंता होगी बहुत ही, बोली अब कुकर करूँ भाई, अब कुकर में आने भोजन जमाऊँगी के करूँगी। तो द्रौपदी कृष्ण भगवान ने याद करियो और भगवान जिमण बैठा इतना मेरा आ गया भाज ही आ गया। बोले भाई द्रौपदी भूखो हूँ मैं, बोले महाराज थे ही भगवान भूखा हो इतना सातु संत आ गया ही भूखा है, अब मैं के करूँ बयान कुकर जमाऊँ। जद जो कृष्ण भगवान कहो चिंता ना कर तू देश की देख संभाली तो एक चावल लाग रही हो, बोले अब बोल वो मंत्र। जद बोली ओम हरि द्रौपदी की चरी भरी, ओम हरि द्रौपदी की चरी भरी, चरी ब्रिजगी ब्रिजगी। तो बोले साधु संतान बोलिया जिम्मो, बोले मैं तो नहा दो गया आवागा फिर जिमांगा। तो दिष्ट कहो भी नहा दो गया और अठ भोजन थान जरूर करना है, तो नहाण गया नहीं जागे भगवान है जो भगवान तुलसी पत्तो दे दियो तो बठे डिकार ले ली साधु संतान सारा। तो बोले आओ जिम्मो, बोले अब कौन जिम्मा में तो दाप गया। तो दुर्योधन ने जो गालिया देख क्या हो भाई वह जिम्मे है के जिम्मा सी अब जब देखा तो बड़ तो और घना जिम्मा ला रहा साधु और संत भंडारो चालन ला रही द्रौपदी के। तो जद इसी परीक्षा ली भगवान है कनू और बने दुर्योधन जद चर बेंगी चरी तो भरी रही जदा कथा सुन ले नहीं कह भी गरी अन्न धन की कमी कौन रहे अरे दान करे नहीं चरी को देच की दे दिया पित्तल की छोटी सी और ऊपर ढक अभी मैं गा लगी चावल है और खांड है और घी और बना गए देवे तो वह चरी भरगे बना गए खिचड़ी बना गए भरगे दे दिया ऊपर खांड और घी जरूर गल है। तो चावल मूंगा खिचड़ी बना दे दक्षिणा मेल गए ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा दिया जी मंदिर ना है तो ब्राह्मण के घरे दे दिया, ब्राह्मण ही जे ना मिले तो भी कोई गरीब ने दान कर दिया मड़ा मड़ा में दान कर दे संक्रांत के दिन। तो 16 तारीख तक है मड़े तो 14 और 15 की सुन गए 2 दिन कथा, 7 दिन थाने ना टेम है किन्ने महीने ना टेम है तो जितो टेम 2 दिन तो जरूरी काटियो जद गरे बरकत रह गो ओ दान जरूर करियो द्रौपदी की चरी गो। तो गरे यहाँ कह दियो भी ओ मरी द्रौपदी की चरी भरी संकल्प कर गए फिर दान करियो दक्षिणा दे दियो जय श्री कृष्णा राधे राधे। थाने किसी एक लागी थी बताइयो भजन इंदिरा के चैनल ने सब्सक्राइब लाइक जरूर करे करो जय श्री कृष्णा राधे राधे।